ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हमें ना क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था जिसका नाम था परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है। आज भी हम बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए तो देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, है ना, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना। तो सभी बच्चों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो कोई बच्चा बताएगा कि क्या होती है परिमेय संख्या? पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। बिल्कुल, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर ये है ना परिभाषा थोड़ी अधूरी है, कोई पूरी करेगा इसको? क्यों वेरी गुड, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक और कंडीशन होती है बेटा, दो कंडीशन होती है इसमें, है ना, जिसका जैसे पी कि मैं, जीरो ना हो। वेरी गुड। तो यहाँ पर इस तरीके से मैडम ने बताया होगा कि आपको कि पी अपॉन क्यू के रूप का होता है नंबर एक। दो कंडीशन यहाँ पर होती है, एक कंडीशन की नीचे वाला जो नंबर होता है मतलब कि हर जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दूसरी कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो पी और क्यू होते हैं, ये जो पी और क्यू होते हैं उसको हम कहाँ से लेते हैं? पूर्णांक में से लेते हैं, है ना। और पूर्णांक सभी बच्चों को पता है कि हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, और इस पूर्णांक में दोनों तरीके के नंबर होते हैं, है ना। निगेटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसी में से हम क्या करते हैं, पी और क्यू को लेते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा 2/7, तो 2/7 एक पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, नीचे वाला नंबर जीरो भी नहीं है और 2 और 7 पूर्णांक भी है, तो ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से मैंने लिखा 11/2, माइनस के 11/2, तो बताएंगे क्या ये एक परिमेय संख्या है? यस ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि माइनस के 11 और 2 देखो पूर्णांक में से ही लिए गए हैं, पूर्णांक में से ही लिए गए हैं, और लेकिन ये 2 जो हमारे पास है वो जीरो। कोई बताएगा क्या 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? सर, लेकिन ये तो पी अपॉन क्यू यस के सर, रूप की है ही नहीं, तो ये कैसे परिमेय संख्या है बताइए? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। वेरी गुड, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मान लेते हैं। तो ये अभी बन गया बेटा पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या बन गई, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी यहाँ पर बताएंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सर, क्योंकि उसके नीचे जीरो जीरो के नीचे एक आ जाएगा सर। वेरी गुड, 0 के नीचे हम एक मान लेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या आ गई है हमारे पास। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है? जिसके नीचे 0 आ जाए, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं ना, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बोला कि सबके नीचे एक मान सकते हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो 0 से शुरू होते हैं, और हम पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो इसमें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और इसमें हमारे पास कैसे नंबर होंगे? प्लस वाले नंबर भी होंगे, धनात्मक यस नंबर होंगे। तो इन सबके नीचे एक माना जा सकता है, सबके नीचे एक माना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सबके नीचे एक मान लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को मैं कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आई है यहाँ तक? सर, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। अब मैंने कहा कि इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा खींची। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे।
वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा को खींच दिया और बीच में यहाँ पर मैंने जीरो लिया, बीच में जीरो लिया। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अगर संख्या रेखा में ये एरो बना हुआ है ऐसे, तो इस एरो का मतलब होता है कि ये संख्या यहाँ से भी आगे तक जाएगी और यहाँ से भी आगे तक जा सकती है ना। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली संख्या यहाँ राइट में अनंत तक जा सकती है, अनंत तक मतलब बहुत लंबी रेखा हम खींच सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट में भी ये कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है, जिसको हम बहुत बड़ी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी रेखा है कि ये पूरे यूनिवर्स को, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है। इतनी बड़ी रेखा को हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर पूर्णांक, पूर्णांक को, पूर्णांक आपको पता है पूर्णांक क्या होता है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे और जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होंगे, इसको प्रदर्शित करना है किस पर, संख्या रेखा पर। तो जीरो के राइट में अगर हम जाते हैं तो सारे के सारे नंबर धनात्मक आते हैं, धनात्मक आते हैं, प्लस वाले नंबर आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ये? यस सर। उसके बाद अगर ये प्लस में नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है, और आपको पता है कि प्लस वाले नंबर दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो उसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगाएं और दूसरा उसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगा सकते। तो दो तरीके से प्लस के नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन माइनस का नंबर सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाता है कि उसके आगे हम माइनस लगाते। तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आएंगे वो नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये नंबर भी आगे तक कंटिन्यू चलते जाएंगे जितनी लंबी रेखा हमारे पास होगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। ठीक है, अब ऋणात्मक आए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, -2, -3, -4, -5। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया तो अभी हम परिमेय संख्या पर आ जाते हैं। परिमेय संख्या पे मैंने कहा कि 1/2 है ना, लास्ट क्लास में बताया होगा कि जो 1/2 है वो 1 और 0 के बीच का नंबर है ना, 0 और 1 का बीच का नंबर है। तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो मतलब क्या है कि ये 0 और 1 के बीच का मध्य बिंदु है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं 1/2। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 किस किस के बीच का नंबर होगा, -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस का 1/2 माइनस का 1 और 0 के बीच का नंबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया माइनस के 9/4, या सिर्फ मैंने 9/4 लिख दिया। तो 9/4 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। मिश्र भिन्न में बदलना आता है क्या सबको? यस सर। बताइए क्या होगा इसका मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न बताएंगे। ठीक है, 2 से ही 1/4, लेकिन मैं अगर यहाँ पर सिर्फ 2 कर दूं अब कितना होगा, 4 से 1/2, 4 से ही 1/2। वेरी गुड। तो यहाँ पर 4 से ही 1/2 कैसे आता है कि 2 से आपको भाग करना पड़ता है 9 को, और आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये आपके आ गया क्या भागफल, ये भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया। बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि भागफल को तो हम पहले लिखते हैं, है ना, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भागफल पहले लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे क्या लिखा जाता है, जो नंबर आपको दिया है 2 दिया है तो 2 ही लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 4 से ही 1/2। 4 से ही 1/2 का मतलब क्या है, 4 से ही 1/2 का मतलब है 4.5। क्या समझ में आ रहा है, 4 से ही 1/2 का मतलब कितना है, 4.5। अब आपको पता है कि 4.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा सर, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में आएगा, मतलब क्या हुआ कि आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, और संख्या रेखा जैसी ही आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 और ये दिख गया 5, है ना। तो 4 और 5 को आप सर्कल कर लीजिए, पहले ये 4 है ये 5 है, तो इसके मिडिल का नंबर जो होगा वही होगा 4 से ही 1/2। ठीक है,
इस तरीके से आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराई होंगे मैडम ने, कराई हैं इस तरीके से क्वेश्चन? यस सर। चलिए अभी अगर मैं बात करूं कि माइनस के 11/2 है, बताइए इसका भिन्न क्या होगा, मिश्र भिन्न क्या होगा इसका? 5 से 1/2। नो सर, -5 से 1/2। वेरी गुड, माइनस है बेटा तो माइनस लगाना पड़ेगा और आपके पास आ जाएगा माइनस के 5 से ही 1/2। ठीक है, अब जब आप संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे तो संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, और जब आप राइट में जाएंगे तो सारे नंबर निगेटिव हो गए, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। तो अभी ये किसके बीच का नंबर है, यहाँ पर 5, 5.5 हो गया, ये किसके बीच का नंबर है बेटा? 5 और 6 के बीच का नंबर है, मतलब कि ये वाला नंबर हमारे पास होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। नो सर। चलिए कोई डाउट नहीं है, अभी हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपसे ना क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछूंगा। ठीक है, ओके सर। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3/5 मैंने लिखा है। ठीक है, 3/5, तो अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी है 3/5, ये 1 से छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। काफी बच्चे बोल रहे हैं बड़ी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, नोट बनाकर मैं लिखवा देता हूँ इसको, कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास जो अंश है बीच में आएगी, हाँ जो अंश है बेटा, अगर वो हर से छोटा है तो हमेशा जो संख्या होती है पी अपॉन क्यू, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे यहाँ पर देखो 3 है ना, छोटा है हर से, अगर 3 हर से छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है, तो ये वाली संख्या 1 से छोटी होगी। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसी तरीके से अगर अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा हर से, अगर बड़ा होगा तो ये वाली संख्या क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 5/4, अब देखो 5 बड़ा है हर से, अगर अंश बड़ा है हर से, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 1 से बड़ी है। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अब ये बताइए, ये वाली संख्या 1 से तो छोटी है, क्या ये बता सकते हैं कि ये संख्या 0 से छोटी होगी या बड़ी होगी? सर बड़ी। बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या 0 से बड़ी है, ये वाली संख्या 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? सर सर। अब देखो आपको क्या करना है, नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो खाली स्थान पूरा दिख रहा है आपको, इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपको 4 डंडे खींचने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, तो हो गए बेटा 5 बराबर भाग। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग हो गए। क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, तो इस 0 को तो आप लिख सकते हैं 0/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 0/5। Yes, sir. इस 1 को आप लिख सकते हैं 5/5 लिख सकते हैं 5/5। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर आप बताइए, इसके आगे का नंबर होगा 1/5, इसके आगे का नंबर होगा 2/5, इसके आगे का नंबर होगा 3/5, फिर आएगा 4/5, और अब आ गया 5/5, मतलब 1। आपको प्रदर्शित करना था 3/5, तो ये वाला आंसर होगा बेटा आपका 3/5। क्या समझ में आ गया है? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पूछूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन बेटा। यस सर। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/2 को करना है बेटा, ये ध्यान रखना है।
तीन बटे दो को सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच का नंबर होगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, सिंपल। जिसके बटे में दो आता है तो वो है ना क्या होता है, आधे में डिवाइड होता है। तो सभी बच्चे बेटा अपना आंसर है ना कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। तो चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को आंसर करना है कहाँ पर, पोल सेक्शन में। कर दिया सर। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, देख लीजिए तीन बटे दो दिया हुआ है, तीन बटे दो दिया हुआ है। तो इसको पहले आप मिश्र भिन्न में बदलिए, पहले आप क्या करेंगे मिश्र भिन्न में बदलेंगे इसको। मिश्र भिन्न में बदल कर तब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऐसे किया, जैसे ही मैंने पहुंच पोल को लॉन्च किया तो सभी ने ए ए आंसर लगा दिया, बस किसी ने सोल्व करके देखा ही नहीं। सोल्व तो करो पहले कम से कम, उसको मिश्र भिन्न में बदलो। तो पहले पहले आप इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को आंसर कर दिया हमने तो। वेरी गुड बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बोलेंगे नहीं बेटा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, तो मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। अभी भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कंपलसरी है सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा इसमें? मैंने पहले बोला आपको इसको मिश्र भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 ये कम 2, तो ये आ जाएगा क्या, 1 आएगा यहाँ पर। तो भागफल 1 आया, भागफल यहाँ पर शेषफल 1 आया। तो इसको जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1 1/2, तो 1.5 आ गया 1.5 आ गया। अब 1.5 तो आपको पता है ना 1 और 2 के बीच का नंबर होता है 1.5, तो 1.5 किसके बीच का नंबर होगा, 1 और 2 के बीच का नंबर होगा। आप पता नहीं क्यों एक ये वाला आंसर लगा रहे हैं, ए आंसर क्यों लगा रहे हैं बेटा आप, ये 0 और 1 के बीच का नंबर थोड़ी ना है। पहले तो आपको यही चेक करना है कि ये 0 और 1 के बीच का नंबर ही नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है ये, 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। सर तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है सी, सी आंसर होगा बेटा, ठीक है, सी आंसर होगा। चलिए अभी हम आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। सर स्क्रीन गई, स्क्रीन गई, क्या बाकी बच्चों को दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। सर दिख रहा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट तक हो सकता है कि किसी बच्चे को स्क्रीन ना दिखाई दे, लेकिन 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं आप। माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड, अब ये हम आ जाते हैं आगे। तो अब देखो क्या लिखा गया, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या,
है ना, मतलब दो परिमेय संख्या होगी आपके पास इस तरीके की, दो परिमेय संख्या, तो उनके बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है ना। जैसे मैंने कहा छह भी एक परिमेय संख्या है और दस भी एक परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, सात आठ और नौ, ये तीन तीन परिमेय संख्या, मतलब बहुत सारी संख्या है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो सात आठ नौ है ना। चलिए तो इस तरीके से हमें चेक करना है। अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो दो पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक, दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है इन दोनों पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक है, तो उसके लिए आपको एक संख्या रेखा बना लेना है। पहले संख्या रेखा आपने बनाया है ना, और आपको पता है कि जब हम राइट तरफ जाते हैं तो सारी की सारी संख्या धनात्मक आती है, पॉजिटिव होती है, सर, तो एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा, और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो सारी की सारी संख्या आ जाती है नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव आती है, यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार और माइनस के पांच। ठीक है, अब गिनेंगे कि कितनी संख्या आ रही है दोनों के बीच में। देखो चार आ रहा है, तीन आ रहा है, माइनस दो आ रहा है, माइनस एक आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, तो ये संख्या आ रही है, मतलब कितनी संख्या हो गई, सात संख्या हो गई, तो टोटल सात संख्या आ रही है बेटा किसके बीच में, माइनस पांच और तीन के बीच। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो ये बताएंगे, अभी अभी इसको समझ लेंगे ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या किया, मैंने एक संख्या रेखा बनाई, एक संख्या रेखा मैंने बनाई, ठीक है, और संख्या रेखा पर आपको नंबर तो निरूपित करने आते हैं ना, कि बीच में जीरो होता है, राइट तरफ अगर जाते हैं, राइट तरफ अगर जाते हैं तो हमारे पास सारे धनात्मक नंबर आते हैं, सारे नंबर धनात्मक आते हैं, और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर हमारे पास क्या आते हैं, ऋणात्मक आते हैं, सारे नंबर हमारे पास क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस का एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और माइनस के पांच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो पांच, पांच को यहाँ पर सर्कल कर लो और तीन को सर्कल कर लो, इन दोनों के बीच का नंबर देखना है ना हमें, तो अब इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं हैं उनको गिन लो, कितनी संख्याएं आ रही है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सात संख्याएं हैं हमारे पास। क्या समझ में आया सबको अभी? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो बेटा अभी आ जाते हैं हम आगे, तो यहाँ पर देख लो इन दोनों के बीच में सात संख्याएं हैं, ये वाली सात संख्या, चलिए तो अभी हम बात करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि जीरो और सात के बीच में कितनी संख्या है, बताइए, पांच, जीरो और सात के बीच में कितनी संख्या है, पांच सर, पांच, छह संख्या, तो छह संख्या कैसे करेंगे, जीरो और सात को हम ऐसे सर्कल कर लेंगे और उनके बीच के नंबर गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह संख्या आया। काउंट नहीं करेंगे क्या? क्या हुआ बेटा? सर इसमें सात को काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, सात को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जीरो और सात के बीच की संख्या कौन सी है, ठीक है? यस सर। चलिए तो अभी समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप दोनों को माइनस करने के बाद है ना, जैसे सात माइनस जीरो कर दीजिए, सात माइनस जीरो करेंगे तो सात आएगा, और उसमें से एक और माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा छह, है ना। जैसे मैंने बात किया कि माइनस ये पांच और आठ के बीच की संख्या कितनी है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, आठ माइनस तीन वो आठ माइनस पांच, तो आपके पास आ गया तीन, तीन में से एक और माइनस करेंगे तो आ जाएगा दो, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ दो संख्या हमारे पास है, छह और सात। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहां पर देखो क्या बोला गया है,
यहाँ पर हम बात करें क्या, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जीरो होती है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी दो क्रमागत, क्रमागत का क्या मतलब होता है बेटा, पता है आपको? लगातार। लगातार, वेरी गुड। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार कैसे, कि मैंने कहा दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं। अब दो लगातार संख्याएं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, दो लगातार संख्याएं हैं एक और दो, एक और दो, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक तो एक कंप्लीट नंबर होता है ना, माइनस एक माइनस दो इस तरीके के होते हैं पूर्णांक, जीरो एक दो तीन, पॉइंट वाले नंबर तो होते नहीं है इसमें, ना डिवाइड वाले नंबर होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? पूर्णांक में ना तो पॉइंट वाले नंबर होते हैं और ना डिवाइड वाले नंबर होते हैं, तो इन दोनों के बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं पूर्णांक, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई संख्या होगी तो मैंने ले लिया एक बटे दो, और एक बटे दो तो पूर्णांक होता ही नहीं है, तो यहाँ पर एक भी पूर्णांक नहीं है। क्या समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अब कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा 100 और 101, 101 नहीं है, तो नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, जीरो है। जीरो। चलिए, तो अभी इतना समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब देखो, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जीरो होती है। जैसे अगर माइनस दो और माइनस तीन के बीच बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितनी संख्या है बेटा? जीरो। जीरो, जीरो। यहाँ पर भी जीरो संख्या है। चलिए, तो यहाँ पर देख लो, जीरो, ये माइनस तीन और माइनस दो के बीच में कितनी संख्या आ रही है? जीरो संख्या आ रही है। जीरो। अभी यहाँ पर बात करेंगे क्या बेटा, नाम को ध्यान रखेंगे, हम पूर्णांक की बात कर रहे थे ऊपर, पूर्णांक कितने हैं, लेकिन अब हम दूसरे पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। ठीक है, दो पूर्णांक अगर हम लिखेंगे तो उन पूर्णांकों के बीच में जो संख्या होती है, जैसे मैंने जीरो लिखा यहाँ पर एक और यहाँ पर लिख दिया चार, तो इन दोनों के बीच में जो संख्या होती है वो सीमित होती है, उसको हम गिन सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोल सकते हैं सीमित और परिमित, मतलब वो आसानी से हम गिन सकते हैं कि कितनी संख्या उसके अंदर है। तो जैसे एक और दो के, एक और चार के बीच में बात करेंगे तो दो ही नंबर हमारे पास आ रहे हैं, दो और तीन। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये तो सबको पता है, मैंने बताया था अभी कि सभी पूर्णांक के नीचे अगर हम एक मान लेते हैं तो वो सारे के सारे संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। ये सारे के सारे परिमेय संख्या है बेटा, सब परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक है सभी के सभी परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगर यहाँ तक बेटा समझ में आया है सबको तो वाई टाइप कर देंगे पहले। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो। सब बात, चलिए तो अगर किसी के अभी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अब देखो क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। देखो टाइप वन का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, टाइप वन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, हर क्या बेटा, एक मिनट रुकेंगे, हर क्या होगा, समान होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन बाकी बच्चे भी समझ लेंगे कि कैसे चार आया। तो क्या होगा, हर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, दो बटे पांच है ना, और यहाँ पर दिया हुआ है सात बटे पांच, सात बटे पांच। तो दोनों में हर कैसा है बेटा, समान है दोनों में, दोनों में हर समान है। तो इसके आगे का नंबर आएगा बेटा कितना, तीन बटे पांच, इसके आगे आएगा चार बटे पांच, इसके आगे आएगा पांच बटे पांच, फिर आएगा छह बटे पांच। तो कितनी संख्या आ गई, चार संख्या आ गई। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि अगर आपके पास जो हर है
वो समान है तो बेटा ऐसे आंसर निकालना है आपको, डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसमें कुछ करना ही नहीं। अगर हर क्या होगा, ए समान होगा तो टाइप टू का क्वेश्चन हो जाएगा वो, और टाइप टू के क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर यही लिखा गया कि यदि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करने करके हम दोनों परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक कौन है, बंद कर देंगे सब बात। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हर समान है तो सिर्फ अंश की तुलना करनी है, जितने नंबर आएंगे वो ही हमारा आंसर होगा, चार आए हैं तो चार ही आंसर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे अब। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि कोई भी दो परिमेय संख्या अगर आपके पास लिखी हुई है तो उनके बीच में इनफाइनाइट है ना, अपरिमित परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या अनगिनत होती है, हम उसको गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी संख्या होती है। क्या समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, कि दो अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या होती है तो उनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं चार और पांच भी क्या है बेटा, चार और पांच भी दोनों परिमेय संख्या है। यस सर। इनके बीच में, इनके बीच में भी हमारे पास अनगिनत परिमेय संख्या होगी। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि माइनस पांच बटे तीन और माइनस आठ बटे सात के बीच में पांच परिमेय संख्या लिखिए। पांच परिमेय संख्या लिखना है आपको। देखो माइनस के पांच बटे तीन और यहां पर लिखा हुआ है माइनस के आठ बटे सात। तो यहां देख लो, यहां पर हर क्या दिया हुआ है, ये टाइप टू का क्वेश्चन है, ये है टाइप टू। अब टाइप टू क्या होगा, हर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, हर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर हर है तीन, यहां पर हर है सात, तो उनका लेना है आपको एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से। आता है सबको अभाज्य गुणनखंड, सर 21 आ जाएगा एलसीएम। वेरी गुड। तो यहाँ एलसीएम अगर निकालते हैं तो हमारे पास आएगा तीन एकम तीन और ये सात ऐसे ही आ जाएगा, और सात से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सात एकम सात, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 21। सर तो अब मेरे को बताइए कि हम तीन में क्या गुणा करेंगे, क्या गुणा करेंगे कि 21 आ जाए। सात। सात। सात की गुणा करेंगे, तो सात की गुणा नीचे भी करना है और ऊपर भी करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा पांच सत्य पैतीस माइनस के पैतीस बटे सात या 21। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से बताइए कि सात में हम क्या गुणा करेंगे। तीन। 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 तीन गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। आठ या 24, आठ या 24 बटे 21। बेटा माइक बंद रखेंगे। क्या समझ में आ गया ये? यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो हमारे पास जो हर है वो समान बन गया है, एक जैसा हर बन गया है। तो अभी तो हमें माइनस के 35 और माइनस के 24 को कंपेयर कर देना है। पहले ये बताइए कि माइनस का 24 बड़ा है या माइनस के 35 बड़ा है। माइनस 24। माइनस का 24 बड़ा है ना, तो माइनस के 35 से पहले नंबर आएगा माइनस के 34, फिर आएगा माइनस के 33, फिर आएगा माइनस के 32, फिर आएगा माइनस के 31, फिर आएगा माइनस के 30। तो आप कोई भी पांच संख्या लिख सकते हैं, कोई भी पांच संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पर भी 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी 21 आ जाएगा। क्या समझ में आया सबको? सर। यस सर। एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि चूंकि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे,
तो उन दोनों संख्याओं का हर समान करना है, और हर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा जैसे हमने लिया था। उसके बाद हमने 7 की गुणा किया था तो ये आया, 3 की गुणा किया था तो ये आ गया। अभी आगे आ जाते हैं। अब दोनों संख्याओं के बीच उदाहरण 1 के समान परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो पूछ लेंगे। चलिए, तो कोई डाउट अगर नहीं है बेटा तो इसका आंसर आप देंगे। सर पोल में गिर गया। नहीं पोल में नहीं, अभी आपको आंसर करना है चैट बुक। ओके नहीं डोंट फॉरगेट बेटा, माइक बंद रखेंगे। निकालनी है सर इनके बीच, इनके बीच में आप 5 संख्या निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 0 नहीं बेटा, आपको 5 संख्या निकालनी है, आप निकाल सकते हैं 5 संख्या। ठीक है, 5 संख्या आपको निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो आपको है ना हर को समान करना पड़ेगा, हर समान नहीं है यहाँ पर, पहले हर को समान करेंगे। और हर को समान करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 आएगा, वेरी गुड। 30 शाबाश, 30 आएगा सर। चलिए तो अभी हम सोल्व कर लेते हैं, अभी सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम, इसके अगर बात करें तो ऐसे निकालते हैं हम एलसीएम, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6। फिर 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर कितना, 2 × 3 × 5, मतलब 2 3 6 6 5 30, 30 आ गया एलसीएम। तो अभी आपको क्या करना है, 30 बनाना है, 30 बनाना है यहाँ पर। अब हम किससे गुणा करेंगे कि 30 बन जाएगा, तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 30 बन जाएगा, तो आ जाएगा 6 × 4 = 24, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस के 5/6, तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 25 25 और बटे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी संख्या नहीं आ रही है ना, यहाँ पर तो देखकर ये लग रहा है कि कोई भी संख्या नहीं आ रही है।
अगर इस तरीके का बेटा बन जाता है आपके पास, क्या बन जाता है कि माइनस के 24 बटे 30 आया है और माइनस के 25 बटे 30 आया है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर नहीं होता है, माइनस 24 और 25 के बीच में। तो अगर कभी भी ऐसा अगर आपके पास बन जाता है तो आप है ना इसको नंबर को आगे बढ़ा देंगे, आगे और आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर आ जाएगा माइनस के 240 और ये आ जाएगा 300। यहां पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस के 250 और आ जाएगा 300। अब तो आ जाएगा ना दोनों के बीच में, देखो क्या आ रहा है, 200। यस सर, यस सर। हाँ, कितना आ जाएगा, 239, 238, ठीक है, 237। इस तरीके से नंबर हमारे पास आ जाएंगे बटे 300। क्या समझ में आया है सबको? नो सर। देखो लास्ट इससे फिर से समझ लेंगे, यहाँ तक समझ में आया है क्या? यहाँ तक। अब माइनस 240 है ये और ये है, अच्छा एक मिनट, ये नंबर है बेटा माइनस के 250 और ये है माइनस के 240। इनके बीच के नंबर लिखने हैं तो आएगा क्या, 249, सही है ना, फिर आएगा 248, फिर आएगा 247। अभी समझ में आया है? चलिए, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो कोई भी 5 लिख सकते हैं, अभी तो आपके पास 9 आ गए हैं, ठीक है सर। माइनस का 241 बटे 300 भी हो सकता है ना? हाँ बेटा, माइनस के 241 बटे 300 भी हो सकता है, माइनस के 242 बटे 300, माइनस के 243 बटे 300, माइनस के 244 बटे 300, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, माइनस दो और माइनस एक के बीच में तीन परिमेय संख्या लिखिए। अब खुद देखिए, माइनस दो दिया हुआ है और माइनस एक दिया हुआ है, तो हम कैसे लिख देंगे, है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका हर जो है वो एक है, यहाँ पर भी हर क्या है बेटा, एक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से कर दिया दोनों में। यहाँ पर भी 5 से किया तो आ जाएगा 5 × 10 बटे 5, यहाँ पर भी मैंने 5 से किया तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, माइनस के 5 बटे 5, है ना। तो अब आप निकाल सकते हैं माइनस 10 और माइनस 5 के बीच का नंबर कितना आएगा, माइनस के 9, माइनस के 8 आएगा, माइनस के 7 आएगा, माइनस के 6 आएगा। तो आप इसमें से कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर, नो सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला गया पहले क्या कि ये पी अपॉन क्यू के रूप का नहीं है। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू के रूप का पहले आप इसको बना लेंगे, ठीक है। देखो ये बना लिया पी अपॉन क्यू के रूप का, और फिर हम मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। ओके सर। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये रहा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए, माइनस 1 और 0 के बीच में लिखना है बेटा। चलिए, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर लगाना है पोल सेक्शन में। ध्यान से बेटा, पहले ध्यान से आपको नोटबुक में सोल्व करना है ना। पहले इसके डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, 5 निकालना है, तो एक संख्या से ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर निकालेंगे। चलिए, माइनस के 1 बटे 1 और यहाँ पर 0 बटे 1। तो आप देखिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
सर आपने ये पोल में दिया है क्या? हाँ बेटा, इसमें पोल में आंसर करना है आपको, पोल में आंसर करना है। पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर हमने। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी, सभी बच्चे अपना पोल में आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। ओके सर। शाबाश, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को आंसर करना। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने बेटा आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। छह से सात बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आपको आंसर दिखाना है। ठीक है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है अभी पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है मेरा, तो ए है, है नीचे सारे से गुणा कर लेंगे। बिल्कुल, मतलब ये अभी मैंने करके दिखाया था आपको, है ना, कि आप एक मान लीजिए पहले और फिर सेम नंबर से गुणा करना है आपको, तो सेम नंबर से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6/6 आएगा। देख लो, हाँ एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, सही है, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे तो 0/6, तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है कि -6 और 0 के बीच के नंबर हमारे पास क्या होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, सबके बटे में 6 लगा देना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आ रहा है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा हम, और यहाँ पर आपका नया टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और आपसे पूछ रहा हूँ। किसके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर आते हैं? ठीक है, उनके आंसर आपको करना है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 5/7, ठीक है, 5/7 और 8/9, तो इनके बीच में आपको बताना है कितने, बताना है 10 परिमेय संख्या, बताना है कि 10 परिमेय संख्या लिखिए, 10 परिमेय संख्या। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले इसको, और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, या फिर आप मेरे को अपना आंसर दिखाएंगे।
दस परिमेय संख्या आपको निकालना है। सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर को समान बनाएंगे। सबसे पहला काम होगा आपको हर को समान बनाना, है ना। पहला जो काम होगा वो क्या होगा, हर को समान बनाना। पहले ये काम करना है आपको। दिखा सकते हैं बेटा अगर हो गया है तो, आपका सरिता शर्मा के नाम से दो बच्चे जो हमें चेक करा सकते हैं आंसर। एक मिनट रुकेंगे बेटा, कपिल के नाम से जो बच्चा है। सर मैंने कर दिया, देख लो। हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दिखाएंगे बाकी बच्चे। दिखाएंगे विनोद कुमार के नाम से जो बच्चे हैं वो दिखाएंगे अब। ये 63, ठीक है बेटा। चलिए आगे, और किसने कर लिया बेटा, संदीप शर्मा। ठीक है बेटा, चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसके एलसीएम लेंगे, सात और आठ, सात और नौ का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपने अगर लिया तो ये आ जाएगा क्या, तीन से डिवाइड किया आपने, है ना। फिर तीन से डिवाइड करेंगे, तीन एकम तीन, फिर सात से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर दीजिए। विनोद कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। तो अभी इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा क्या, तीन गुणा तीन गुणा सात, तो तीन तिया नौ, नौ सत्य तिरसठ, है ना। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसके हर को सेम बनाना है। तो सात में हमें क्या गुणा करना पड़ेगा, नौ की गुणा करना पड़ेगा। तो नौ की गुणा हम ऊपर भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैंतालीस बटे तिरसठ, ठीक है, पैंतालीस बटे तिरसठ। अब है आठ बटे नौ, और हमें क्या करना पड़ेगा, सात से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो आ जाएगा आठ सत्य बहत्तर, आठ सत्य छप्पन, बहत्तर नहीं छप्पन, ठीक है। तो ये हो जाएगा छप्पन बटे नौ सत्य तिरसठ, ठीक है। तो आठ सत्य छप्पन और नौ सत्य तिरसठ, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर छप्पन है और ये है पैंतालीस, ये है पैंतालीस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, पचपन, यहाँ पर चौवन, ये त्रेपन आ जाएगा, बावन आ जाएगा, इक्यावन आ जाएगा, पचास आ जाएगा, उनचास आ जाएगा, अड़तालीस, सैतालीस और छियालीस। अब इसको गिने लेंगे कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो दस हमारे पास आ गए, है ना, और दस ही हमें चाहिए था। क्या समझ में आ गया है अभी? यस सर। चलिए तो अगर समझ में ये समझ में आ गया तो बेटा मैं दो तीन क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपका होमवर्क होगा, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। बाय बाय सर। होमवर्क ये आपको करना है अपनी नोटबुक में। तो ये है होमवर्क क्या, निम्नलिखित परिमेय संख्या संख्याओं
के बीच पांच परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या लिखिए, पांच परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा, लिख दिया क्या हुआ, संख्याओं गलत लिख दिया सर आपने, संख्याओं, ये संख्याओं की बात कर रहे हैं। यस सर। संख्याओं, ठीक है, संख्याओं के बीच में पांच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच है क्या सही है? हाँ, के बीच पांच परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या है माइनस तीन और माइनस के दो या माइनस के वन, इनके बीच में पांच परिमेय संख्या लिखना है। दूसरी संख्या बेटा आपके पास में सात बटे चार और एक बटे चार। तीसरी संख्या बेटा आपके पास में माइनस के पांच बटे दो और माइनस के सात बटे तीन। चौथी संख्या है आपके पास में माइनस के पांच बटे तीन और चार बटे तीन। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आपको करने, सब नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाय सर। सर बुधवार को भी आप क्लास लोगे क्या? अगर मैडम ठीक रहेंगी तो मैडम ही क्लास लेंगी बेटा। मैम, मैम को क्या हो गया? उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से उन्होंने क्लास को आज अटेंड नहीं किया। ठीक है सर।